बॉलीवुड के सुपरस्टार जितेंद्र की लाडली प्यारी बेटी एक्टर तुषार कपूर आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 45 इयर्स की हो चुकी हैं तुषार कपूर और जन्मदिन की खास मौके पर उन्हें ढेरों बधाई संदेश भी मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ तुषार कपूर को लेकर पुराने किस्से भी सामने आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे तुषार की पर्सनल लाइफ की बारे में। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तुषार कपूर ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। जब बीते कुछ सालों पहले साल 2016 में तुषार ने हर किसी को चौंका दिया कि वह पिता बन गए हैं। दरअसल सरोगेसी के जरिए तुषार कपूर पिता बने हैं। उनके बेटे हैं लक्ष्य कपूर। अपने बेटे के साथ के खूबसूरत पलों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए देखे जाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, साल 2001 में तुषार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और उन्होंने फिल्म मुझे कुछ कहना है से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद कई फिल्मों में नजर आए तुषार, लेकिन वह अपनी खास पहचान नहीं बना पाए। हालांकि बीते साल अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब में गौरव नाम का किरदार निभाते हुए देखे गए। इसके अलावा तुषार जीना सिर्फ तेरे लिए, गायब, क्या कूल है हम, हल्ला बोल, गोलमाल, हम तुम शबाना, द डर्टी पिक्चर, गोलमाल अगेन जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। तुषार कपूर की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल रहा है साल 2016 का, जब तुषार सरोगेसी से बेटे लक्ष्य के पिता बने थे। पिता बनने की खबर ने हर किसी को चौंका दिया था, हर किसी को सरप्राइज कर दिया था। वहीं अपने बेटे को लेकर तुषार ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब भी उन्हें शूटिंग से समय मिलता है तो वह अपना ज्यादा से ज्यादा समय बेटे लक्ष्य के साथ स्पेंड करते हैं। वह कहते हैं कि वह सिंगल खुश हैं, फ्यूचर में भी कभी शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है। इसकी वजह ये है कि मैं खुद को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, तुषार ने अपने बेटे को लेकर तमाम बातों को शेयर किया। उन्होंने कहा कि वो कभी नहीं चाहते कि उनका बेटा कभी उनकी फिल्में देखें। हालांकि उनसे पूछा गया कि क्या बेटा होने के बाद वह एडल्ट फिल्में करना छोड़ देंगे, उस दौरान उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तब भी काम करूंगा क्योंकि लक्ष्य अब मेरी लाइफ में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शूट आउट और क्या कूल हैं हम जैसी फिल्मों में काम करना बंद कर दूंगा। ये तो लक्ष्य के ऊपर डिपेंड करेगा उसे कैसी फिल्में देखनी है। अगर लक्ष्य को मेरी फिल्में पसंद नहीं आती तो वह अपने दादाजी की फिल्में देख सकता है। और इस तरह से तुषार ने अपने बेटे लक्ष्य को लेकर इन तमाम बातों को शेयर किया। फिलहाल देखा जाए तो लक्ष्य तकरीबन 5 साल के हो चुके हैं और अपने बेटे के साथ की तस्वीरें वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए देखे जाते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन जाने से पहले तुषार कपूर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।